से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं गैस इसके अंदर हमको कहां पर जाना है। वो भाई सारे ओपन हो चुके हैं और गैस वो भाई इसने वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सब लोग आए हो अच्छे होंगे। आज हम फिर से आ चुके हैं एक और न्यू गेम के साथ में वापस, जिस गेम का नाम है मिस्टर कैंडी। और गैस जिनको इस गेम के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं, गैस इस गेम में एक अंकल है जो कि गैस कैंडी बेचते हैं और भाई बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। तो चलो गाइस गेम को जल्दी से करते हैं कंटिन्यू और देखते हैं गाइस ये अभी किसको किडनैप करने वाले हैं और हमें क्या करना है यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर कुछ बच्चे गेम्स खेल रहे हैं जिनमें से गाइस एक हम भी होंगे। वो भाई ये तो स्टोन पेपर सीजर खेल रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं गाइस कौन जीतता है। और गाइस यहाँ पर आ चुके हैं कैंडी अंकल और भाई ये तो पूरी ट्रेन ही लेकर आ गया यार यहाँ पर। भाई क्या यार थोड़े से वैन ले आते हैं यहाँ पर आइसक्रीम अंकल के जैसे, लेकिन भाई ये तो अलग ही है, यहाँ पर ट्रेन लेकर के आ चुके हैं। मैं वैसे ट्रेन कैसे चल रही है रोड पर, चलो गाइस कोई नहीं, देखते हैं ये आगे क्या करने वाले हैं। वैसे गाइस मेरे को पता है इनको किडनैप ही करेगा ये। और गाइस हमें अपने फ्रेंड्स को जा करके बचाना है क्योंकि गाइस ये सिमिलर गेम है आइसक्रीम की तरह। और गाइस वो तो हमने पहले इस्केप करा था। और गाइस अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखा हो तो जा करके देख लेना यार, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। वैसे गाइस इसकी कैंडी तो यहाँ पर बहुत ही यमी लग रही है यार, मेरे को भी खाने का मन हो चुका है यहाँ पर। और गाइस जो इसकी कैंडी ना वो इसकी हेड के सिमिलर लग रही है मेरे को। भाई लगता है इस कैंडी में कुछ ना कुछ मैजिक होने वाला है, भाई जल्दी जल्दी खा लो क्योंकि अब तुम किडनैप होने वाले हो यहाँ पर। वैसे गाइस हम यहाँ पर सिर्फ समझदार थे यार, बाकी ये तीनों तो भाई यहाँ पर पागल थे यार, सारे चले गए कैंडी खाने के लिए। भाई फ्री का माल नहीं खाना चाहिए इसीलिए बोलते हैं। और गाइस इनको किडनैप कर लिया है कैंडी अंकल ने। भाई चल जा यार इसको लेकर के, हम बचाने आ रहे हैं तेरे पीछे पीछे, भाई कहाँ तक भागेगा तू। चलो गाइस इसकी ट्रेन हो चुकी है यहाँ पर स्टार्ट। और भाई ये तो हवा में उड़ गया यार, भाई हम हवा में कैसे उड़ेंगे मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है। और गाइस यहाँ पर एक मिरर गिरा है और लगता है गाइस इस मिरर से ही हम उसके पास में पहुँच सकते हैं। वैसे गाइस गिरा था कहाँ पर वो, मेरे को तो नहीं दिख रहा है अभी। भाई कहाँ पर गिरा था यार, मिरर मिल जाए प्लीज़, वरना हमारे सारे फ्रेंड्स वो भाई ये रहा यहाँ पर। तो चलो गाइस जल्दी से इसको कलेक्ट करते हैं, देखते हैं गाइस इसमें क्या मैजिक है। वो भाई यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो चुका है यार। और गाइस मेरे को लगता है इसी से हम मिस्टर कैंडी तक पहुँच सकते हैं। चलो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं गाइस हमको कहाँ पर जाना है, मिस्टर कैंडी हाउस। चलो गाइस वहीं पर चलते हैं क्योंकि गाइस बाकी स्टोन तो हमारे पास में नहीं है। और गाइस हम आ चुके हैं मिस्टर कैंडी के हाउस पर, अब देखना पड़ेगा हमारे फ्रेंड्स को इसने कहाँ पर रखा है। वैसे यहाँ पर आवाज़ तो आ रही है और भाई वो अंदर ही है यार। और यहाँ पर क्या है, वैसे यहाँ पर एक डॉग हाउस भी है और यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है जिसके लिए हमको की चाहिए। और गाइस मेरे को अभी तक कोई भी की नहीं मिली है, मेरे को लगता है गाइस इसी के अंदर हमको की मिल जाएगी। भाई कहाँ पर है कैंडी अंकल, वो गाइस वो तो नीचे है तो हमको ऊपर जाना है। भाई चलो चलते हैं जल्दी से ऊपर, वैसे गाइस उसने देखा नहीं हमको यहाँ पर। चलो चलते हैं अंदर और भाई एक डोर तो बंद है यहाँ पर, लेफ्ट साइड में टीवी है और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं यार। वो भाई यहाँ पर एक केक है और गैस जहाँ तक मेरे को पता है हम आइसक्रीम अंकल को केक से मारते हैं तो गैस वो बेहोश हो जाते हैं, देखते हैं गए जिसको मार करके वो बेहोश होगा या नहीं होगा। और यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है लेकिन टॉयलेट में भी कुछ भी नहीं है। अरे भाई कुछ तो आइटम मिल जाए जिससे हमारी हेल्प हो जाए हमारे फ्रेंड्स तक पहुंचने के लिए। और भाई इसने हमको देख लिया यार यहाँ पर, भाई इसको मारते हैं केक से जल्दी से। वो भाई इसके सर पर पड़ गए यहाँ पर और ये बेहोश हो चुका है, जल्दी से इसको उठाते हैं। लेकिन गाइस भाई वो पीछे भागने लग गया यार, भाई इतनी देर के लिए बेहोश होते हैं यहाँ पर क्या, भाई ये तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा उसको। वैसे गाइस हम वहाँ से निकल चुके हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। वैसे यहाँ पर भी एक केक है तो इसको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं, भाई इमरजेंसी में काम आएगा यही। भाई उसका साउंड तो आ रहा है लेकिन वो मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ पर। और यहाँ पर एक डोर है जिस पर गाइस कुछ कोड डालना है हमको, लेकिन गाइस कोड तो अभी तक हमको मिला नहीं है। और भाई सामने एक डोर है यार जिस पर प्लैंक्स लगे हुए हैं, लेकिन गाइस इसको ओपन करने के लिए हमको क्रोबर चाहिए और गाइस क्रोबर भी अभी तक हमको नहीं मिला है, देखते हैं गाइस क्रोबर हमको कहाँ पर मिलने वाला है। वैसे गाइस कैंडी अंकल की आवाज़ तो आ रही है मेरे को, मतलब गाइस जब वो भागते हैं ना पीछे तो उनकी आवाज़ आती है, वो साउंड आ रहा है। और गाइस इसके अंदर हमको
भाई क्रोबर मिल गया है नेहा से, इसको जल्दी से फेंकते हैं नेहा पर और गाइस अपना क्रोबर उठाते हैं क्योंकि गाइस इसकी अभी नीड है हमको। और भाई यहाँ पर साउंड तो आ रहा है लेकिन गाइस केडी अंकल वो भाई इधर से आ रहे थे ये, लेकिन गाइस यहाँ पर यही अपने जाल में फंस चुके हैं यहाँ पर क्योंकि गाइस प्लैंक से लगे हुए हैं और भाई वो वैसे घूम कर आ सकते हैं और वो कहाँ से आएंगे ये नहीं पता मेरे को, क्योंकि गाइस ये भी नहीं पता वो कहाँ से गए हैं। जल्दी से इसको ओपन करते हैं अपन, देखते हैं गाइस इस रूम के अंदर हमको क्या मिलता है। भाई दूसरा भी हो जाए जल्दी से ओपन, और भाई तू भी हो जा। अबे भाई ओपन क्यों नहीं हो रहा, ओपन हो जाना। वो भाई ये तो ओपन ही नहीं हो रहा यहाँ पर, और भाई कैंडी अंकल आ चुके यार, फिर से हमको भागना पड़ेगा। भाई क्या यार लास्ट वाला प्लैंक बचा हुआ था, फिर हम उस डोर को ओपन कर ही लेते। वैसे नीचे भी लगे हुए ना, इनको ओपन कर लेते हैं हम। भाई इसको करते हैं जल्दी से ओपन, और गाइस लगता है वो आ गए पीछे। भाई हमको फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वैसे गाइस हम ऊपर जा कर के भी वो लास्ट वाला प्लैंक ओपन कर सकते हैं क्योंकि गाइस वो सिर्फ एक बचा यार, फिर देख सकते हैं गाइस उसके अंदर क्या मिलेगा हमको। चलो गाइस जल्दी से इसको ओपन करते हैं। भाई बस कैंडी अंकल भी पीछे आ गया यार, वरना देख लेते हैं उस रूम के अंदर हमको क्या मिलने वाला है। देखते हैं गाइस यहाँ पर भागने का रास्ता है या नहीं है। और भाई यहाँ पर भी डोर पर प्लैंक्स लगे हुए हैं यार, भाई सारे डोर पर प्लैंक लगा दिया क्या इसने। यहाँ पर केक है लेकिन गाइस वो पीछे नहीं आ रहा है। भाई जल्दी से इसको ओपन करते हैं। भाई ओपन हो जाए यार, अगर वो पीछे से आ गया ना तो भाई वो बैंड बजा देगा हमको, भाई कैंडी खिला खिला कर मारेगा यार। भाई तू भी जल्दी से ओपन हो जाए भाई, क्या करता है तू। वैसे गाइस यहाँ पर हम झुक कर निकल सकते हैं लेकिन भाई ये गेम है ना तो यहाँ पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती यार हमको। यहाँ पर वैसे एक स्टार पड़ा हुआ है और इसको अभी हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देखते हैं गाइस स्टार का यूज कहाँ पर होने वाला है। और गाइस इसको भी ओपन करके देख लेते हैं लेकिन गाइस इसमें भी हमको कुछ भी नहीं मिला। वैसे गाइस कैंडी अंकल यहाँ पर नहीं है तो हम प्लैंक्स को ओपन कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं गाइस इस रूम पे हमको कुछ इंपॉर्टेंट आइटम मिलता है या नहीं मिलता है। और जल्दी से हो जाओ ओपन लास्ट वाला भी। और गाइस इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। और भाई यहाँ पर भी एक गोल्डन पीस पड़ा हुआ है, पर मेरे को लगता है इनका कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा लेकिन गाइस अभी पता नहीं यार मेरे को। और यहाँ पर एक वेंट है जिसका भी यूज़ मेरे को पता नहीं है। गाइस लगता है इस वेंट को हमें ओपन करना पड़ेगा, उनके इसे ओपन करने के लिए कुछ ना कुछ तो आइटम लगेगा। और भाई जो डोर हमने ओपन करा था उसके अंदर हमारा एक फ्रेंड है यार, भाई फाइनली एक फ्रेंड तो बची है। लेकिन गाइस ये कुछ ट्रैप के बारे में बता रही है हमको। और भाई यहाँ पर साइरन बज गया, भाई वहाँ पर चेयर पर एक कोट पड़ा हुआ यार और वो हमें कलेक्ट करना है। भाई हम यहाँ पर साउंड कर देते हैं, अगर आइसक्रीम अंकल आएंगे ना। अबे भाई कैंडी अंकल यार, मैं बार बार आइसक्रीम अंकल क्यों बोल रहा हूँ, अगर गाइस कैंडी अंकल आएंगे ना तो वो वहाँ पर ही रुक जाएंगे। वैसे अभी तक तो आए नहीं और गाइस वो वहाँ पर ही रुक गए थे यार। भाई हमारा अंदाज़ा सही निकला, यहाँ पर हमको जल्दी से कोड डालना पड़ेगा वहाँ पर। भाई इस डोर को भी जल्दी से ओपन करना है, 3 2 1 9। ओ भाई नो यार, हमने 7 डाल दिया वहाँ पर। गाइस हमको फिर से कट करना पड़ेगा, भाई फिर से कोड को डालना पड़ेगा। और गाइस ये कैंडी अंकल है ना, हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे यहाँ पर। भाई पीछा छोड़ देना, भाई फिर से आ रहे हैं। गाइस हमको जल्दी से यहाँ पर कोट डालना पड़ेगा, नहीं पहले तो इसको कट करना है। वैसे कट कैसे करेंगे इसको, अरे भाई कट हो जाना जल्दी से, आ रहे हैं क्या। नो गाइस नहीं आ रही है अभी तक तो कैंडी अंकल, मत आना प्लीज़। अबे कैंडी अंकल मत आना यार यहाँ पर, बस जल्दी से कोट को डालते हैं यहाँ पर और जल्दी से ओपन करते हैं इस डोर को। भाई वैसे कैंडी अंकल तो नहीं आ रहे ना यहाँ पर। और भाई बेसमेंट देखते हैं हम जा कर के यहाँ पर हमको क्या मिलता है। वैसे यहाँ पर कुछ वो भाई यहाँ पर तो हमको स्क्रू ड्राइवर मिल गया यार। और गैस मेरे को पता है स्क्रू ड्राइवर का यूज़ हमको कहाँ पर करना है। गैस जो वो वेंट मिला था ना हमको, वही हमको ओपन करना है इस स्क्रू ड्राइवर से। तो चलो गैस चलते हैं जल्दी से। और भाई मेरे को यहाँ के सारे रास्ता पता चल चुके हैं, भाई यहाँ पर बस वो कैंडी अंकल ना आ जाए। जल्दी से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं गैस इसके अंदर हमको कहाँ पर जाना है। वो भाई सारे ओपन हो चुके हैं और गैस वो भाई इसने हमको पकड़ लिया यार यहाँ पर। भाई क्या है किस्मत है यार हमारी, हम वहाँ पर पहुँच गए थे। वैसे गैस अभी 2 लाइफ और बाकी है हमारी, तो गैस हम इसके कर ही लेंगे यार। तो चलो हमको इसने किसी रूम में बंद कर दिया और गैस यहाँ पर हमको लॉक पिकी मिल चुकी है। तो चलो गैस जल्दी से गेट को करते हैं ओपन और भाई निकलते हैं यार यहाँ से और गैस चलते हैं वेंटे के अंदर और देखते हैं वहाँ पर हमको क्या मिलता है। वैसे गैस वेंटे ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर पास में ही है।
वैसे कैंडी अंकल तो नहीं है यहाँ पर। चलो गाइस चलते हैं इस वैन के अंदर। वो होगा इस वैसे हम अपना स्क्रू ड्राइवर तो बाहर ही भूल गए यार, उसको भी उठा लेते हैं, क्या पता गाइस उसका अंदर काम हो जाए। तो चलो इसे उठाते हैं जल्दी से और गाइस चलते हैं वैन के अंदर। और गाइस देखते हैं वैन के अंदर हमको क्या क्या मिलने वाला है। भाई यहाँ पर वैन ही हमको रास्ता दिख रहा है यार, जहाँ से हमको कुछ मिल सकता है, वरना गाइस पूरे हाउस के अंदर से हमको कुछ इतना इंपॉर्टेंट आइटम तो नहीं मिला है। वैसे यहाँ पर बंद है तो हमको इधर ही जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस चलते हैं जल्दी से नीचे। और गाइस यहाँ पर तो वेंट ही यार, और गाइस सारे हमको ओपन करना पड़ेगा जल्दी से। तो चलो गाइस पहले इसको ओपन करते हैं। ओके गाइस तो सारे हमने वेंट ओपन कर लिए हैं यहाँ पर। और भाई देखते हैं ये क्या है यार, यहाँ पर कब से ग्लो होए जा रहा है। वो भाई ये तो गन की एमो है, मतलब गाइस इस गेम में हम गन को भी क्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस अभी मेरे को गन के दूसरे पार्ट तो नहीं मिले हैं। तो चलो चलते हैं वेंट के अंदर और देखते हैं गाइस ये वाला वेंट जाता कहाँ पर है। वैसे ये कुछ देखा हो तो लग रहा है, नीचे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर। वो भाई ये तो बेसमेंट ही था यार, गाइस हम गलती से वहाँ पर चले गए थे। वैसे गाइस हम फिर से आ चुके हैं यहाँ पर, देखते हैं गाइस नेक्स्ट इवेंट में हमको क्या मिलता है। यहाँ पर हमको जाना है राइट में। वैसे तो हम घर के बाहर आ चुके हैं यार, और ये तो वही डॉगी हाउस है ना गाइस, मेरे को लगता है ये तो वही है। नो यार ये वो नहीं है, ये तो दूसरा है भाई, वो तो पीछे था ना। चलो गाइस चलते हैं फिर से अंदर। और गाइस हमें इसकी की फाइंड करनी है यार, की भी अभी तक हमको नहीं मिली यहाँ पर। देखते हैं गाइस कितने दिन में मिलती है हमको की। मैं निकल ले जल्दी से बाहर और गाइस लास्ट वाले में भी चलते हैं, देखते हैं गाइस इसके अंदर से हमको क्या मिलता है। वैसे गाइस कुछ अच्छा आइटम मिल जाना चाहिए यार, वरना हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। कहाँ पर वो गाइस यहाँ पर तो 3-3 यार मिल रहा है, देखते हैं गाइस किस में से क्या मिलता है हमको। और यहाँ पर वो भाई ये क्या है गाइस, हमको यहाँ से रिमोट कंट्रोल मिल गया यार, जिससे गाइस हम डॉगी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं जल्दी से डॉगी के पास में। और गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर, देखते हैं गाइस इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। भाई ये हो चुका है यहाँ पर ऑफ। और गाइस इसके अंदर एक की है जिसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। वो भाई आ चुके हैं केंद्रीय अंकल यहाँ पर। भाई बंद करते हैं गेट को जल्दी से, भाई छुप जाते यार थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। और भाई केंद्रीय अंकल यहाँ पर कैसे आवाज़ निकाल रहा है यार, भाई जल्दी से चला जाए यहाँ से, हमको इस बच्चे को बचाना है। लगता है गाइस वो चला गया, चलते हैं बाहर। भाई उसने गेट भी ओपन करके देखा था गाइस, अच्छा वो हमने उसका गेट बंद कर दिया, वरना गाइस वो हमको पकड़ लेता। तो चलो गाइस जल्दी से इस की को उठाते हैं और चलते हैं डॉग हाउस के पास में और देखते हैं गाइस उसके अंदर से। वो भाई ये तो सामने से आ गया यहाँ पर, अच्छा हो गया सही वक्त पर हमने उसको देख लिया, वरना भाई हमको पकड़ ही लेता। वैसे गाइस अभी भी एक लाइफ लाइन हमारे पास में बाकी है, तो गाइस इसको तो हम बचा ही सकते हैं। चलो चलते हैं आगे। और गाइस यहाँ पर सारे रास्ते हमने ओपन कर दिए थे, जिससे गाइस बड़ी आसानी से हम आ चुके हैं डॉग हाउस के पास में। और गाइस इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर से गाइस हमको कैच की मिल गई भाई, अब तो गाइस हम उसको बचा ही लेंगे। चलो चलते हैं हाउस में। भाई आ रहा है क्या भाई, अब आ जाएगा, जब भी डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, अब तो गाइस हम उसको बचा कर ही रहेंगे यहाँ पर। ऊपर तो नहीं है ना, बस ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना भाई फिर वो हमको बच के जाने नहीं देगा यार। और गाइस इसको ओपन करते हैं जल्दी से। भाई वो ये यहाँ पर कैसे आ गया भाई, अब तो पकड़ ही लेगा। वैसे गाइस हमारा डॉग इसको भगा भगा के मारेगा भाई, उसके पीछे पड़ चुका है ये, और गाइस के पोर्टल से भाग गया यार यहाँ पर। देखते हैं गाइस आगे क्या होने वाला है यहाँ पर। हमने अपने एक फ्रेंड को तो बचा लिया है, और गाइस बाकी फ्रेंड्स को भी हम बचा लेंगे। तो चलो गाइस आज के वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।